खास तौर पे ये बात हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अभी अभी कुछ देर पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी पार्टी ने अभी थोड़े देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि वो वर्चुअल रैली करेंगे, अमित शाह जी जो है वर्चुअल रैली करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि लगभग 2 लाख जो कोरोना वायरस से जो अफेक्टेड जो पेशेंट हैं, लगभग 2 लाख आंकड़ा पहुंच गया है। और खास तौर में सबसे ज़्यादा अगर मरमाहत अगर कोई हुआ है, मरमाहत हुआ है, तो वो बिहार का श्रमवीर गरीब मजदूर हुआ है। नंगे पांव चल रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, और बीजेपी जो है इस वक्त उनको उनकी चिंता नहीं है, गरीब की चिंता नहीं, बल्कि अपनी चुनाव की चिंता है, वोट की चिंता है। क्या ये कार्यक्रम जो वर्चुअल रैली जो भाजपा के लोग कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्या इस वक्त उनको वर्चुअल रैली और चुनाव की चिंता करनी चाहिए, या जनता को जो गरीब हमारा अपने लोग जो मर रहे हैं उनकी चिंता करनी चाहिए? देखिए, 9 तारीख को भाजपा के लोग जो हैं वर्चुअल रैली करेंगे। जिस दिन भाजपा गरीबों का मौत का जश्न मनाएगी, उस दिन 9 तारीख को, उस दिन राष्ट्रीय जनता दल जो है संवेदना और शोक उस दिन संवेदना और शोक राष्ट्रीय जनता दल मनाएगा, और प्रतिकार जो है वो हम लोग करेंगे, और उसका नाम जो होगा गरीब अधिकार दिवस, भूखा बेरोजगार मजदूरों और किसानों के लिए। आप लोगों को बता दें, जिस दिन ये लोग जश्न मनाएंगे मौतों का, उस दिन राष्ट्रीय जनता दल जो है गरीब मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ खड़ा होकर के प्रतिकार करेगा। और हम लोग जो है गरीब अधिकार दिवस 9 तारीख को हम लोग मनाने का काम करेंगे। ये 10 बजे सुबह, और इसका प्रतिकार जिस प्रकार से जो खाली पेट है, जिनका जिनका थाली खाली है, पहले भी प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि भाई जो है आप लोग योद्धा जो है करोना उनके सम्मान में बजाइए। हम लोग जिसके पास जो साधन है, थाली हो कटोरी हो, वो बजाने का काम करें, और जो गरीब भूखे जो मर रहे हैं उनके सम्मान के लिए, गरीब का भूख मिटाने के लिए, और जो सरकार जो चैन से सोई हुई है, जो गहरी नींद में सोई हुई है, बिहार की डबल इंजन की सरकार, चुनाव की चिंता कर रही है, गरीब की चिंता नहीं कर रही, इस वजह से हम लोग करेंगे। आप देखिएगा, 100 से अधिक लोगों की जान गई है, मर गए, लेकिन बीजेपी को जो है थोड़ा सा भी लोक लाज नहीं बचा है। क्या ये जरूरी था करना, जो ये वर्चुअल रैली? और हम कहना चाहते हैं कि लालू जी हमेशा एक बात कहा करते थे, हमारे राष्ट्राध्यक्ष, गरीबों को डांटा नहीं आटा चाहिए। हमारे राष्ट्राध्यक्ष हमेशा एक बात कहते थे, गरीबों को डांटा नहीं आटा चाहिए। अभी क्या जरूरत है? और इन लोगों को जो है वर्चुअल रैली जो है वो करने की चिंता है। बीजेपी को सत्ता और पावर का जो उनको भूख है वो मिटाना है, उसलिए ये वर्चुअल रैली कर रहे। लेकिन उनके सामने जो गरीब भूखा है, मजदूर जो आया है, क्या स्थिति बनी हुई है? इनको जवाबदेही होनी चाहिए। आप बताइए, भाजपा के मंत्री हैं, अहम मंत्री हैं,
कोरोना के टाइम में जिनको सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है, स्वास्थ्य विभाग जो है भाजपा के पास है, श्रम विभाग जो है वो भाजपा के पास है, क्या आप लोगों ने कोई बैठक में मुख्यमंत्री के साथ देखा इनको?